ना दुख ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, ना दुख ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान टल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से कहना चाहेंगे कि मन से पढ़िए, तन मन धन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समय को व्यर्थ में मत गंवाइए क्योंकि समय बहुत ही कीमती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एपी यानी कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, मानेंगे, माना, हल हल में लिखेंगे माना। माना नहीं, हमको दिया है, माना नहीं है, दिया है। हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है। देखिए ये पहला पद मान सकते हैं यानी कि ए बराबर मान सकते हैं 3। ठीक है, इसके बाद से हम लोग डी निकाल सकते हैं यहाँ से, तो डी निकाल सकते हैं यानी कि 8 में से 3 घटा के, तो 8 में से 3 घटाएंगे, 5 हमारा डी हो जाएगा। देखिए दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो सर्वांतर यानी कि डी निकलता है, या अगले पद में से पिछला पद यानी कि 13 में से 8 घटा सकते हैं तो वो जो है वही 5 आएगा, या 18 में से 13 घटा सकते हैं तो वो 5 आएगा, यानी कि अगले पद में से पिछला पद घटा देने पर हमें डी प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद से हम लोग मान सकते हैं कि कौन सा पद 78 है, तो मान लेते हैं कि ए यानवा पद, ए यानवा पद जो है क्या है 78 है, ये मान लेंगे। माना ए यानवा पद जो है इसमें क्या है, ए यानवा पद 78 है। अब हम लोग जो है, चूंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं, हम लोग यह बात को जानते हैं कि ए यनवा पद बराबर क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। यहाँ पे हमें जो है ए यनवा पद का मान ज्ञात है, तो यहाँ पे हम लोग मान वैल्यू पुट कर देंगे, मान भर देंगे। अब बराबर, अब देखिए यहाँ पे ए का भी मान हम लोगों को पता है 3, प्लस में एन माइनस वन, और डी का भी मान हम लोगों को पता है कि 5 है, डी का भी वैल्यू हम लोगों को पता है 5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 78 है तो यही लिखेंगे फिलहाल में, और 3 को यही लिखेंगे, और देखिए 5 को जो है क्या लिख सकते हैं, 5 एन, मतलब 5 का एन में गुणा करेंगे तो 5 एन, और माइनस 1 में गुणा करेंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा, 5 का माइनस 1 में गुणा करेंगे माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 78 बराबर लिख सकते हैं, 5 में से 3 घटा दीजिए तो माइनस में 2 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 5 एन। ठीक भाई, माइनस में 5 है और प्लस में 3 है तो 5 में से 3 घट जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक, माइनस में 2 हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या कर देंगे, 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 78, और माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, बराबर 5 एन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 78 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 80, 80 बराबर क्या हो जाएगा 5 एन, तो 5 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 80, 80 बटे जो है क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यन, तो 5 से इसको काट दीजिए, 5 16 80, तो यन बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 16, यन बराबर क्या लिख सकते हैं 16, तो यानी कि 16वां पद जो है क्या होगा 78 होगा, इसका इस समांतर श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का 16वां पद, ए 16वां पे यानी 16वां पद क्या होगा 78 होगा, सर यानी कि 78 होगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद से हम लोग इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद 2n+3 हो तो उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए। 5वां और 25वां पद ज्ञात करना है हम लोगों को, ठीक है, आ यनवा पद दिया। तो चौथा का जो है आप लोग पहला सवाल देख लीजिए, चौथा का पहला कह रहा है यनवा पद दिया हुआ है 2n+3, तो कह रहा है कि 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, यनवा पद का मतलब 2n+3, तो हम अगर हम लोग 5वां पद चूँकि दिया है कि यनवा पद यानी कि ए यनवा पद बराबर क्या हो रहा है 2n+3,
अगर ये पांचवा पद निकाले हम लोग, तो ये पांचवा पद क्या हो जाएगा, 2 × 5 अधन 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, यन के जगह पे 5 आ जाएगा, तो 5 × 2 कर देंगे, ठीक। तो 5 × 2 = 10 अधन 3 बराबर कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। तो ये पांचवा पद 13 हो गया, ये पांचवा पद यानी कि A5 बराबर क्या हो जाएगा, 13, A5 बराबर 13 हो जाएगा। अब इसका दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल कह रहा है, दूसरा सवाल, जिस श्रेणी का यनवा पद इतना है तो उसका सातवां पद ज्ञात कीजिए। तो वही है, इस श्रेणी का यनवा पद जो है, ये यनवा पद जो है समझिए क्या दिया हुआ है, 2n-1 दिया हुआ है, ठीक है। उसका सातवां पद कह रहा है ज्ञात करने के लिए, यानी कि S7 ज्ञात करना है। तो एन बराबर है ना, तो S7 बराबर, S7 बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 7 माइनस में 1। देखिए अगर ए एन का मान 2n-1 पद दिया हुआ है, तो A7 का मान हम लोग लिख सकते हैं 2n के जगह पे 7 माइनस में 1। अब A7 बराबर लिख सकते हैं 7 × 14 माइनस 1 बराबर 13, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 13। 7a बराबर 2 × 7 हो जाएगा माइनस में 1, ठीक। तो अब A7 बराबर, तो A7 बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 14 में 13, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 13, सातवां पद है, ठीक है। तो हो गया आपका 13। अब तीसरा पद देखते हैं, इसका दूसरा तो हो ही गया, दूसरा तो हो ही गया, एनवा पद इतना दिया हुआ है, तो दूसरा पद सातवां पद इसका हो ही गया। अब कह रहा 10 और 250 के बीच 4 कितने गुणज है, 4 के कितने गुणज हैं 10 और 250 के बीच। तो देखिए चौथा इसका देखिए, तीसरा इसका सवाल देखिए, तीसरा कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, ठीक है। तो 4 के कितने गुणज हैं 10 और 250 के बीच, तो देखिए अगर 4 के जो गुणज होंगे वो 4 से विभाजित होने वाले होंगे, तो 10 से ऊपर किससे शुरू होगा, 12 से, 12 चार से विभाजित हो जाएगा, 12 चार से हो जाएगा 13 नहीं होगा, 14 भी 4 से नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 16, ठीक। और 16 के बाद से जो है कौन सा होगा, 20 होना चाहिए, 16 के बाद से कौन सा होगा, 20 भाई, 16 के बाद से 17 होगा नहीं करेगा, 18 होगा नहीं करेगा, 18 दूसरे कट जाएगा, नहीं तो 4 से विभाजित होना होना चाहिए, तो 18 नहीं कट रहा है, 19 20 का 20 से कटेगा, ठीक है। तो 20 हो जाएगा, तो 20 को हो गया। गुणजों की संख्या निकालना यानी कि n का मान निकालना है, गुणजों की संख्या यानी कि n का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग मान लेते हैं कि अब इसमें अधिकतम देखा जाए तो 2 4 से कटने वाला कौन सा अंक होगा, 4 से कटने वाला मान लीजिए 250 है, 4 से कटने वाला अंक देखना है, इससे बढ़न हो जाए छूट ना हो, तो 4 × 6 = 24, 1 × 4 = 16, 6 × 4 = 16, 64 आ रहा है, ठीक है। और 64 वो भी करेगा, ठीक। अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे ए एनवा बराबर लिख सकते हैं 250, ए बराबर लिख सकते हैं कितना, 12, और डी बराबर लिख सकते हैं कितना, 5, डी बराबर कितना लिख सकते हैं, ए डी बराबर देखिए डी का मान 12 निकला है, डी का मान कितना निकला है, 12, ए आई के में गया, हाँ इसी का है, ये भी बन सकता है 12 16 20, इंगा करके 250 ले, तो लास्टवा पद कितना होगा जो 4 से कट जाए, तो लास्टवा पद जो 4 से कटने वाला होगा वो कितना होगा, तो 4 × 6 = 24 और 4 × 6 = 16, 64 होगा, हैं 2 अंक की, अब बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए ना।
इसमें आपका लास्ट वाला पद 239 होगा, जिसमें 4 से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो सब मिला के ये अनवा पद हमारा जो है दिया हुआ है, मान लेते हैं कि अनवा पद 248 है। आइए अनवा पद बराबर होता क्या है, तो ए प्लस एन माइनस एन माइनस वन इन टू जो क्या हो जाता है डी बराबर 248 लिख लेना है। अब ए प्रथम पद 12 हो जाएगा, धन में 16 में से 12 जा 4 हैं, तो जा एन माइनस वन इन टू डी का मान हो जाएगा 4, 16 में से 12 जा 4, ठीक है, अब बराबर 248 हो जाएगा। ठीक, 248 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब 12 प्लस 4 एन माइनस में 4 बराबर 248। ठीक, अब 12 में से 4 घट जाएगा तो 8, तो 4x आगे क्या हो जाएगा प्लस में 8, 8 4 12 प्लस में 8 बराबर 248। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 248 माइनस 8 यानी कि 240 हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा 40, 240 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 240 बटे 4, 4 छ 24, 60 कितना हो जाएगा x का वैल्यू, x बराबर हो जाएगा 60। क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि 4 के लिए कितने गुणज होंगे, तो 60 होंगे, एन का मान कितना होगा 60, तो 60 के कितने गुणज होंगे, इतना के कितने गुणज से गुणज होंगे, कितना के वर्ग दिया ना, 4 के कितने गुणज हैं, अच्छा 4 के कितने गुणज हैं, तो 60 होंगे। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे। अब इसके बाद से पाँचवा, तो अब यहाँ पर देखिए चौथा सवाल कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद ए एन बराबर एन इंटू एन का स्क्वायर प्लस 5/4 है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग एन बराबर अगर एक ले लें तो हम लोग का पहला प्रथम ये अनवा पद निकल जाएगा, तो एन का मान एक, तो एक गुण है एक के वर्ग अधन में 5 बटे में कौन सी 4 ले लीजिए, तो एक का वर्ग करेंगे तो एक अधन 5 हो जाएगा बटे में 4 हो जाएगा, तो 5 एक 6 हो जाएगा, 6/4, 2 3 6 2 2 4, तो 3/2 हो जाएगा, यानी कि प्रथम पद आपका हो गया 3/2, प्रथम पद हो गया 3/2। अब जो है दूसरा पद निकाल लीजिए, तो दूसरा पद के लिए जो है एन बराबर क्या हो जाएगा 2, दूसरा पद के लिए एन बराबर 2 हो जाएगा, तो ए टू बराबर क्या हो जाना है कि ए टू के जगह पे अब भैया 2 लिखेंगे, मैं मान भर देंगे, तो 2 × 2 का वर्ग अधन में 5 बटे में क्या हो जाएगा 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 का वर्ग करेंगे तो 2 × 2 = 4 अधन में 5 बटे में 4 हो जाएगा, तो 2 से चाहे तो 2 को काट सकते हैं, 5 × 4 = 9/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया 9/2। अब इसी तो इसका पहला पद हमको क्या मिला है, पहला पद 3/2 मिला है, पहला पद A1 3/2 मिला है, A2 क्या मिला है 9/2 मिला है, तो अब हम D ज्ञात कर लेंगे, तो D बराबर क्या हो जाएगा 9/2 और माइनस 3/2, तो 9 में से 3 जा 6, 6/2 2 3 6 3 हो रहा है। ठीक है, 3 हो रहा है, सर्वांतर इसका कितना आ रहा है, आपको डी का मान 3 प्राप्त हो जा रहा है, डी का मान 3 प्राप्त हो गया, तो आराम से हम लोग श्रेणी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, अब देखिए अगर A3 निकालना है तो A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A^2D करेंगे, तो A का मानवा कितना है, A का मान है 3/2 अधन में 2 × D का मान कितना है 3, तो क्या हो जाएगा 3/2 अधन में 3 × 2 = 6, तो 6 × 2 = 12 = 15, तो 15/2 हो जाएगा, तीसरा पद यानी कि A3 बराबर हो जाएगा 15/2। ठीक, अब चाहे तो 15/2 में फिर 3 जोड़ दीजिए, अरे आइए D जोड़ देंगे ना हमें,
3 × 6 देखिए, ये चौथा पद अगर हम लोग को निकालना है तो 15/2 और धन में 3 कर दीजिए, तो 3 × 6 15 × 6 21/2 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो इस तरह से चौथा पद हो जाएगा। तो अतः हमारा श्रेणी क्या हो जाएगा, अतः एपी हमारा हो जाएगा क्या, 3/2, 9/2, 15/2 और 21/2, 21/2, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, डाटा चलता रहेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।